नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके। शुक्रवार को कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 का गाना अमीजे तोमर का नया वर्जन रिलीज किया गया। मुंबई में हुए एक इवेंट में इस गाने को लॉन्च करते हुए विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने इसी गाने पर लाइव परफॉर्मेंस दी। इस परफॉर्मेंस के दौरान विद्या का पांव साड़ी में फंसा और वो स्टेज पर गिर पड़ी। हालांकि एक्ट्रेस ने इस मोमेंट को बड़ी ही खूबसूरती से हैंडल करते हुए डांस स्टेप में बदल दिया। मुंबई के रॉयल ओपेरा हाउस में रखे गए सॉन्ग लॉन्चिंग इवेंट में कार्तिक, विद्या और माधुरी समेत फिल्म के मेकर्स भी मौजूद थे। यहाँ विद्या और माधुरी ने गाने पर परफॉर्म करते हुए इसे लॉन्च किया। इसी परफॉर्मेंस के दौरान विद्या डांस करते हुए स्टेज पर गिरी और जमीन को पैट गई। हालांकि उन्होंने तुरंत इस पल को संभाल लिया और किसी को महसूस नहीं होने दिया कि उनके साथ क्या हुआ। परफॉर्मेंस के बाद विद्या ने कहा, इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ काम करना उनके लिए सम्मान की बात है। विद्या ने बताया कि उनकी बहन ने उनसे कहा, तुम कभी माधुरी जैसा बनना चाहती थी और आज उनके साथ डांस कर रही हो, क्या यह बड़ी बात नहीं है। एक्ट्रेस आगे बोली, आज भी देखिए मैं स्टेज पर गिर गई, लेकिन फिर उठकर मैंने परफॉर्म किया माधुरी जी के भरोसे। इस वायरल वीडियो को देखकर जहां कई लोगों ने विद्या की तारीफ की है, तो वहीं कुछ का कहना है यह एक पब्लिसिटी स्टंट था। एक यूजर ने लिखा, जो गिरते ही समझ जाए उसे विद्या बालन कहते हैं। एक अन्य ने लिखा, विद्या ने जिस अंदाज में उस मोमेंट को संभाला देखकर मजा ही आ गया। फिल्म भूल भुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म का क्लेश रोहित शेट्टी की मल्टी स्टारर फिल्म सिंगम अगेन से होगा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।